कर रहे हो यार, खींचे पड़े जबरदस्ती यार। बट बट हां बोलो, क्या क्या बात है? तुमसे मैंने मना किया था ना कि इस गली में देखना मत, अगर किसी ने पहचान लिया तो भाभी जी के सामने मेरी फजीहत हो जाएगी। नो यार, जबरदस्ती की बातें कर रहा हो यार, जबरदस्ती खींच के तुम यहाँ पे हमें लेकर आ रहा हो, कौन तुम? अभी जान दो यार। देखो देखो देखो, तुम छेदी हो छेदी, धोबी हो तुम धोबी, और तुम्हारी जो शक्ल है ना, ये अमित जी से मिलती है। खाई वाला यार, खाई तो याद ना। अरे भाई साहब, हमें याद याद आ गया भाई साहब, वो अमित जी रिक्शा, भाभी जी। यस, एक बात बोले यार, यार भाभी जी है बड़ी शानदार, दिल लहरा गया हमारा तो। छेदी, अगर तुमने भाभी जी की तरफ नजर उठा के भी देखा ना, तो मैं तुम्हारे किले निकाल लूंगा, समझे? किले। तुम तो बड़ा यार। ओके, अब तुम, ओके, अब तुम यहाँ तभी आना जब मैं तुम्हें बुलाऊँ। अब तुम जाओ। भैया एक बात बोले, भाभी जी हैं कटोरी है। तो हम भी जानते हैं भाभी जी कटोरी है, लेकिन बोल नहीं पाते। एनीवे, ए रिक्शा, भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए ना, आइए आइए। अरे ये सर पे गठरी लेके क्यों घूम रहे हैं आप? भाभी जी, ये बस आप ही की अमानत है। मेरी अमानत? जी, वो धोबी को आपने कपड़े दिए थे ना, तो वो गलती से आपके कपड़े हमारे घर दे गया। ओह माय गॉड, ये धोबी बड़ा ही पागल है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हमारे घर के कपड़े? भाभी जी, अपनों को ही तो अपनों की चीजों की पहचान होती है। थैंक यू तिवारी जी, शुक्र है कि वो आपके घर में कपड़े देकर गया था। सोचिए, अगर किसी और के घर में कपड़े दिए होते तो कोई लौटाने भी नहीं आता। सो स्वीट ऑफ यू। भाभी जी ने हमें स्वीट कहा? देखिए देखिए देखिए, मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन का शानदार सहकार, आपके चहेते सिनेमा घर राजवाड़ा टॉकीज में। भगवान, जब भी ये चचा आते हैं हमारे लिए मुसीबत लेके आते हैं। अरे क्यों, ऐसी क्या बात है? अब क्या बताएं भाभी जी, ये जो अंगूरी है ना, ये अमिताभ बच्चन साहब की कुछ ज्यादा ही बड़ी फैन है। अच्छा। हाँ, अब जब भी ये चचा यहाँ आते हैं, बस अंगूरी के अंदर बच्चन साहब का सोया हुआ फैन जाग जाता है। इतनी मुश्किल से शराबी से पीछा छुड़ाया, अब ये मुकद्दर का सिकंदर लेकर आ गया। अरे तो इसमें कौन सी बुरी बात है तिवारी जी? आपको एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, मैं भी अमित जी की जबरदस्त फैन हूँ। अरे लेकिन अंगूरी तो आपसे भी बड़ी वाली है। अमित जी की एक एक फिल्म 50-50 बार देख चुकी है, फिर भी उसका दिल नहीं भरता। आपको पता नहीं है तिवारी जी, मैं अमित जी की हर फिल्म 60-60 बार देख चुकी हूँ, मेरा दिल फिर भी नहीं भरता। मैं तो ये फिल्म मुकद्दर का सिकंदर देखने जरूर जाऊंगी। तो मुकद्दर का सिकंदर की 2 टिकटें ले आए? आप ला सकते हैं नाइट शो की? ग्रेट आइडिया। मूंगफली चबाते चबाते देखेंगे मजे में। अरे बहुत मजा आएगा, आप प्लीज 2 टिकटें ले आइए मेरी और विभू के लिए। और आप और अंगूरी जी भी आ जाइए, हम चारों मिलकर फिल्म देखेंगे। वील हैव ग्रेट फन। नहीं नहीं भाभी जी, वो सिनेमा हॉल अच्छा नहीं है। अरे सीटों में मोटे मोटे खटमल है, सारा खून चूस जाएंगे। अरे अगर अमित जी के लिए थोड़ा सा खून चुसवा भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी घर पर नहीं है। भाभी जी हमको आपसे कौन हूं बात नहीं करनी है, हम बहुत हंग्री हैं। भाभी जी, इट्स नॉट हंग्री, इट्स एंग्री। सही पकड़े हैं। आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि आप अमित जी को जानते हैं, हाँ? जबकि आपको पता है हम अमित जी के कितने बड़े फैन हैं। भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। माफी किस बात की? आपने हमको हॉट कर दिया। आप तो ऑलरेडी बहुत हॉट हैं। आई मीन हॉट नहीं, इट्स हर्ट। सही पकड़े हैं। भाभी जी, ये सही है कि मेरे अमित जी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो मुझे अभिषेक जितना ही मानते हैं। हर
शुक्रिया, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो जब अभिषेक ऐश्वर्या की शादी हुई थी, हमने देखी थी, हमने सारी शादी टीवी पे देखी थी, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दिए। एक्चुअली मैं शादी में जा नहीं पाया था, मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट काम रह गया था कानपुर में। एक्चुअली अमित जी मेरे दूर के फूफा जी लगते हैं। आपके दूर के फूफा जी लगते हैं। That's right. और आपने हमसे ये बात छुपाई? भाभी जी, छुपाना पड़ता है। का? इसमें कौन सी शर्म की बात है? देखिए ना, कितने फैन हैं उनके, हर आदमी उनसे मिलना चाहता है, फोटो खिंचवाना चाहता है, लोग परेशान कर देते हैं उनको, इसलिए मैं छुपाता हूँ ये सब बातें। हाँ, वो बात तो है। एक्चुअली अमित जी कानपुर आए हुए हैं शूटिंग के लिए, तो कल उनका फोन आया था, कहने लगे झल्ले मैं कानपुर में हूँ। ये झल्ला कौन है? वो प्यार से मुझे कभी झल्ला कहते हैं, कभी लल्ला कहते हैं। हाय दया, झल्ले जी, आप हमको अमित जी से मिला दीजिए, बस हम आपकी ये एहसान जिंदगी भर ना ही भूलेंगे, हम आपके पैर पर। नहीं नहीं भाभी जी, नहीं, आपकी जगह वहां नहीं, आपकी जगह तो मैं आपको अमित जी से मिलवाऊंगा, कल ही मिलवाऊंगा, लेकिन देखिए आप उनको दूर से देख सकते हैं, उनके पास जा नहीं सकती, क्योंकि उन्हें उन्हें एलर्जी है भीड़ से, बट मैं मिलवाऊंगा आपको कल पक्का। थैंक यू वेरी मच। तो इसी बात पे थैंक यू हमको कितनी खुशी हो रही है, आप बता ही नहीं सकते। चलता हूं। बच्चन से मिलेंगे। रीता जी, अनीता जी, अंगूरी जी, आइए आइए। क्या बात है रीता जी? अनीता जी, हम बहुत बहुत खुश हैं आज, तो फिर हमसे भी शेयर कीजिए अपनी खुशी की बात। वो कहा है ना, खुशी की बात ये है कि हम अमित जी से मिलने वाले हैं कल। व्हाट? अमित जी से आप मिलने वाली हैं? वाओ, कैसे? ये पूछिए कि हमको कौन मिलाने वाला है, पूछिए पूछिए। कौन? भरभूति जी। व्हाट? भरभूति मतलब विभूति, माय हस्बैंड। सही पकड़े हैं। अच्छा, अनीता जी उन्होंने हमको बता दिया कि अमित जी उनके फूफा जी हैं। अच्छा, अमित जी विभू के फूफा हैं। हाँ। अब कल हम मिलेंगे, सब साथ में बैठेंगे, सब साथ में खाना खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अब हम चलते हैं, अब चलते हैं। बाय बाय। खुश है? बहुत खुश हूँ। भाभी जी, आप? भरभूति जी, थैंक यू। हाय बेबी। हाय। या बेबी, तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है? एक्चुअली नहीं। रियली? लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये मैं क्या सुन रही हूं? तुम क्या सुन रही हो? यही कि अमित जी तुम्हारे फूफा हैं। विभूति बेटे, तू फंस गया। विभू, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, मुझे सही सही बताओ, अमित जी तुम्हारे फूफा हैं या नहीं? हाँ, अमित जी मेरे फूफा हैं। What? हमारी शादी को 7 साल हो गए, तुमने 7 साल तक मुझे नहीं बताया कि अमित जी तुम्हारे फूफा हैं, और अब मुझे पता चल भी रहा है तो किससे? पड़ोसियों से। कैसे बताता, रिश्ता भी बना है 1 घंटा पहले। नहीं, एक्चुअली उन्होंने मुझे कसम दी थी कि मैं किसी को ना बताऊं। किसी को नहीं मतलब मुझे ना बताओ। सारी दुनिया को तुम बता दोगे, पड़ोसियों को बता दोगे, अंगूरी जी को बताया कि नहीं बताया तुमने? अंगूरी जी को बताया नहीं, उनको मालूम पड़ गया, वो सुबह देख लिया उन्होंने मुझे और अमित फूफा को रिक्शे बैठे हुए। अमित जी हमारे मोहल्ले में आए थे आज।
एक्चुअली वो क्या है कि वो कानपुर आए हैं शूटिंग के लिए, तो मुझे फोन आए कहने लगे घसीड़ू वो जब से इलाहाबाद छोड़ा है तब से रिक्शा राइड भूल गया हूँ, तो आई वॉन्ट टू हैव अ रिक्शा राइड। तो मैं सुबह सुबह रिक्शा लेके पहुँच गया उनके होटल और उनको मैंने सुबह सुबह रिक्शा राइड दे दी, बिकॉज सब सोए होते हैं सुबह, तो मैंने कहा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो रास्ते में उनको मैं आलू की टिक्की खिला के मैं उनके होटल छोड़ा, ही इज फाइन नाउ, ही सेड मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मैं अपना सारा गुस्सा भूल जाऊंगी, बस तुम अमित जी को कल लंच पर ले आओ। वो डाइट पर रहते हैं। That's fine. I will cook salads. मैं सारा डाइट का खाना बनाऊंगी। वो सैलेड भी नहीं खाते। तो पानी तो पीते हैं ना? देखो विभू, कल वो मुझे यहाँ घर पर लंच पे चाहिए। अगर वो यहाँ पर घर पे लंच पे नहीं आएंगे तो तुम भी घर नहीं आओगे। ले आऊंगा अमित फूफा को, मैं ले आऊंगा। अगर अमित फूफा मेरे फूफा हैं तो तुम्हारे फूफा हुए? कमाल की मियां, कमाल 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 कमाल। ये क्या बदतमीजी है जनाब? किस बदतमीजी की बात कर रहे हैं आप? आपने अंगूरी के दिमाग में क्या फितूर भर रखा है कि आप उसे अमित जी से मिलाने ले जा रहे हैं? तो कौन सा झूठ बोला है? मैं मिला रहा हूं उनको अमित जी से, ऑफ कोर्स मिला रहा हूं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अमित जी आपके फूफा जी हैं। जी, मेरे वो फूफा जी ही हैं। देखिए, आप अपनी शेखी से मेरी बीवी को बेवकूफ बना सकते हैं, भाभी जी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको बनाने की क्या जरूरत है? और ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया आपको। धन्यवाद। बेवकूफ ये क्या 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 कहा आपने? मैं बेवकूफ क्यों बनाऊंगा भाई आपको? अमित जी मेरे फूफा जी हैं तो हैं, आई कांट हेल्प इट। अरे आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? कल आप कहेंगे कि अल पचीनो आपके ताऊ जी हैं तो क्या हम मान जाएंगे? दया जी मुझे अपना भतीजा मानती है और अमित जी भी मुझे अपना भतीजा मानते हैं, और अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो कल 2 बजे घर पे आ जाइएगा लंच पे, अमित जी आ रहे हैं। पकड़ भाई, और भाभी जी को लाना मत भूलिएगा। चाहता हूं ये मूंग और मसूर की दाल इस फटीचर के फूफा जी अमित जी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे भाई कहाँ हैं आप लोग? फूफा जी आ गए। अरे यहाँ नहीं, वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, बैठिए, बैठिए। अरे बैठिए वहाँ पे आप, शिवारी जी बैठिए, बैठिए, बैठिए। बोल रहे हैं जनाब आप? कहाँ है, बुलाइए ना, मिलवाओ तो सही विभू। देखिए क्या है कि वो शूटिंग छोड़ के आए हैं राइट, और क्या सिक्योरिटी लेके भी नहीं आए, विदाउट सिक्योरिटी आए हैं, तो घेर मत लीजिएगा उनको, क्यों उन्हें घुटन होती है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, आराम आराम से बातें कीजिएगा, क्या कि ही इज कम फॉर अ फैमिली गेट टुगेदर। भरपति जी आप जल्दी बुलाइए ना, सो लाइक इंटीमेसी, समझ रहे ना आप? ठीक है ना, बुलाओ तो सही। हाँ फूफा जी, अरे फूफा जी आ जाइए, अमित फूफा आइए ना। छोटी नहीं लग रहे? फूफा जी सो टॉल, आइए ना फूफा जी, आइए ना, सो टॉल, आइए ना, बैठिए बैठिए बैठिए, सिट डाउन। फूफा जी आप ये भाभी जी हैं। नमस्ते भाभी जी। हाय दैया। ये आपकी बहुत बड़ी फैन है,
इन्होंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं, ए टू जेड। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, आपकी जो साड़ी है वो बहुत अच्छी है। इसे हाथ से मत धोइएगा वरना मैली हो जाएगी। है बड़ा मजाक किया है अमित धुबा जी, बहुत मजाक करते हैं, फैमिली गेट टुगेदर है ना इसलिए। विभू, आई एम योर वाइफ, मुझे भी इंट्रोड्यूस कराओ। ये मेरी बीवी है अनीता, अनीता फूफा जी, अनीता, अनीता फूफा जी। अबे अबे, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते फूफा जी। आप तो एकदम दूध की तरह धुली हुई हैं, उजली उजली। आज अमित फूफा जी बड़े लाइट मूड में आए हैं। वैसे फूफा जी, मैं भी आपकी जबरदस्त फैन हूँ। अरे क्यों ना हो, रगड़ रगड़ के जो धोए थे कपड़े आपके। कपड़े रगड़ रगड़ के धोए थे? एक्चुअली ये कह रहे हैं कि वो जो फिल्मों में मारते हैं ना गुंडों को रगड़ रगड़ के, उससे रिलेट कर रहे हैं ये, नो? छेदी, सुर पकड़ बेटा, सुर पकड़। अमित जी, हम आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं। आपने कब धुलवा लिए? क्या बोले? इनका मतलब ये कि जैसे ये फिल्मों में गुंडों को धोते हैं, कभी आपने ज़ाती ज़िंदगी में, कभी मार्केट प्लेस में या कभी पब्लिक प्लेस में किसी गुंडे को धोया है आपने ऐसा, कभी ऐसा? नहीं नहीं, हम तो कपड़े धोते हैं घर पे। अरे आप क्यों धोती हैं? कल तो हम धोएंगे आपके। हंस रही है? हदे यहाँ क्या बात कर रहे हैं आप? छेदी, अबे क्या है, नोच कर रहा यार, बात कर रहा है ना? यानी फूफा जी फिजिकल हो रहे हैं। He loves me very much. अभूति जी, जी जनाब, हम भी हैं इलाके में। हाँ, इनसे मिली, ये तिवारी जी हमारे पड़ोसी, धंधा करते हैं। धंधा जी? कच्चे बनियान का। अच्छा, खोका है इनका दाल मंडी में। ओ, ओ, ओ। अच्छा, तो ये कच्चे बनियान का धंधा करते हैं, कहाँ धुलवाते हैं भाई? जी घर में ही धोते हैं। अरे कैसी बात करते हैं, आज के बाद आप अपने घर में नहीं धोएंगे, हम धोएंगे। समझ गए, बहुत अच्छी तरीके से धुलवा के देख लो। क्या है? आप भी सर बहुत मजाक करते हैं। दरअसल बचपन से ही हम आपके बहुत जबरदस्त फैन रहे हैं। आपकी फिल्में देखने के चक्कर में स्कूल की अक्सर हमारी धुलाई हो जाया करती थी। अरे धुलाई तो एक बार हमने की थी भैया, 24 घंटे में एक ही बार में धो दिया पूरे बारातियों कपड़े, भाई साहब मायने। छेदी बेसुरा हो गया। अबे क्या पागल हो गया तुम यार, बिल्कुल दिमाग खा रहा है कि नहीं? फूफा जी इज गेटिंग फिजिकल बट ही लव्स मी। देखिए क्या है कि जिसको जो सवाल पूछना है ना, प्लीज जल्दी पूछ लीजिए। अपना अमित फूफा जी शूटिंग छोड़ के आए हैं, तो प्लीज हाँ जल्दी जल्दी सवाल पूछिए फटाफट। चलिए, हम भाभी जी प्लीज, आप स्पेशल गेस्ट हैं, आप पहले पूछिए। अमित जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि आप फिल्मों में गुंडों की धुलाई कैसे करते हैं? धुलाई कैसे करते हैं? धुलाई ऐसे करते हैं, जैसे कि एक समझ लीजिए, हमने एक टप ले लिया और उसमें थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाल दिया, उसके बाद ब्रश मार दिया, फिर उसके बाद जो मोगरा होता है ना, मोगरा, उसको लेकर दाग साफ हो जाते हैं, ऐसे ही धुलाई कर देते हैं। समझ गए? He's just joking. बहुत मजाक किया है फूफा जी, इट्स अ फैमिली गेट टुगेदर ना, इजी विद हिमसेल्फ। जी अगला सवाल। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने इतना कुछ हासिल किया है अपनी जिंदगी में, आपकी कोई खास ख्वाहिश? अरे क्यों नहीं, ख्वाहिश तो है हमारी करीना कैटरीना, उनके साथ फिल्म करना चाहते हैं। नहीं नहीं, इनके कपड़े धोना चाहते हैं हम। छेदी छेदी, समझाऊं, सुर में रहे, बेसुरा हो रहा है बेटे। सर
आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है जो आपके दिल के बहुत करीब है? हमारी एक फिल्म है, बड़ी फेवरेट है, हमारे दिल के एकदम करीब है। हम जानते हैं वो कौन सी है। बता दोगे तो 5 रुपए देंगे बेटे। बता। डॉन। गलत जवाब। हमारी फेवरेट फिल्म है रेशमा जवान हो गई। ये फिल्म कब आई थी? कुछ तो गड़बड़ है। अरे तिवारी भैया, अंगूरी भाभी, अनीता भाभी, जल्दी बाहर चलिए, अमिताभ बच्चन जी आए हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।